अगली खबर में बात करते हैं सिंगरौली की, जहां गांधी जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना के तहत आज जिले के सिंगरौली विधानसभा में ग्राम काम देवसर विधानसभा के बड़ोखर में और चितरंगी विधानसभा में कैंप आयोजित किया गया, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक भूमिहीनों को पट्टा दिया गया, जिससे सरकारी जमीनों पर लंबे समय से बसे गरीबों के चेहरे पट्टे पाने के बाद खिले नजर आए। ग्राम काम में विधायक सिंगरौली राम लल्लू बैस ने कलेक्टर राजीव रंजन मीणा के साथ भूमिहीनों को पट्टे दिए। वहीं देवसर विधानसभा में विधायक देवसर सुभाष वर्मा ने एसडीएम देवसर विकास सिंह के साथ ड्रोन कैमरा को उड़ाकर रियल जो लोग सरकारी जमीनों में बसे हैं उनके घरों का सर्वे कराया। 250 लोगों को चिन्हित कर पट्टे दिए जाएंगे, जबकि आज भी बहुत लोगों को पट्टे दिए गए हैं। आदिवासी ग्रामीण बाहुल्य इलाका चितरंगी विधानसभा में भी विधायक अमर सिंह के साथ एसडीएम संपदा सर्राफ ने कैंप में 100 से अधिक लोगों के सर्वे के बाद चयन किया गया है, जिसमें 45 लोगों को पट्टे दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि भूमिहीन गरीब लोग जिन्हें पट्टे दिए गए हैं उन्हें मकान बनाने हेतु लोन भी दिलाया जाएगा। जिले में जहाँ भी सरकारी आबादी भूमिहीनों की है सर्वे आगे भी जारी रहेगा और उन्हें पट्टे दिए जाएंगे। हम लोग कितने डिसमिल का पट्टा मिला आप लोगों को? 5-5 डिसमिल। धन्यवाद सर। इसके बाद जमीन नहीं थी करने का कष्ट करें? अच्छा, तो मतलब ये सरकारी खाता में बसे थे? रोध करूँगा। पट्टा वितरण किया जा रहा है, ऐसे अब क्षेत्रों में सभी चल रहा है, पूरे आयोजन शिविरों में हो के पट्टे वितरण किए जाएंगे, ताकि उनको ये न लगे कि आज तक देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमें आबादी का पट्टा नहीं मिल पाया। सर, लोगों में जिस तरह से पट्टा पाने के बाद काफ़ी खुशी देखी गई, हमने भी कई लोगों से बात किया, तो कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं? बिल्कुल देना ही चाहिए, इसलिए कि अब यह पट्टे में जाने के बाद वो जब जरूरत होगी तो बैंक से लोन भी ले सकता है। पहले तो आबादी का पट्टा मिल गया और पता नहीं चला गया उसको कहाँ है कहाँ नहीं है, पर यह बेहतर है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने जो सुविधाओं को उपलब्ध किया है और सभी को खुशहाली होनी भी चाहिए कि भाई हम किसी न किसी, चाहे वो सरकारी हो या अन्य की जमीन पर बसे हैं, आज उच्चतम आबादी का पट्टा सर, आपके विधानसभा में तकरीबन कितने लोगों को दिया गया? अभी तो लगभग 87-88 आदमी को यहाँ से कराउंटी में पहले चरण हो गया। थैंक यू सर।